बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय चंबा में शौर्य यात्रा निकाली। भारत माता मंदिर हरदासपुरा से आरंभ हुई यह यात्रा भरमौर चौक से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जमकर उद्घोष किया। कई स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। सभी राम भक्तों को आज ये बजरंग दल की ओर से जो शौर्य दिवस मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं। बजरंग दल हर वर्ष 6 दिसंबर से को शौर्य दिवस मनाता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें शौर्य का प्रतीक बजरंगबली है, भगवान श्री हनुमान जी हैं। तो हमारा जो ये युवा है वो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का संचरण करे, उसके साथ साथ राष्ट्रभक्ति और अनुशासन, ये सारा जो संयम, ये जो राष्ट्र निर्माण के गुण हैं वो हमारे युवाओं में आए। इसलिए जो ये बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हर वर्ष 6 दिसंबर को शौर्य दिवस का आयोजन करता है। आज का कार्यक्रम भारत माता मंदिर हरदासपुरा से शुरू हुआ। भारत माता के पूजन के बाद वो माँ जो कि हम सबको अन्न जल हवा सब देती है और उस माँ के प्रति हमारी कृतज्ञता को भाव का प्रकट करने के लिए इस हिमाचल प्रदेश का एकमात्र भारत माता मंदिर जो हरदासपुरा में है वहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ है। सभी जो बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता हैं अनुशासन में, राम भक्ति में गीत गाते हुए ये सारे यहाँ का एक चक्कर लगाएंगे और उसके साथ ये संदेश जो कि हमारे देश में धर्मांतरण का है, लव जिहाद का है, जो ये भयावह स्थिति आज देश में बन रही है, आप अभी रोज पढ़ रहे हैं, कभी श्रद्धा कांड कभी कुछ कांड, जिसके कारण हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, ये लव जिहाद के जो मुद्दा है ये सारे देश में फैल रहा है। साथ ही साथ जो धर्मांतरण है एक बहुत बड़ी एक समस्या है जिसके कारण हमारे देश का जनसंख्या अनुपात जो है बिगड़ रहा है और आप देख ही रहे हैं जहाँ पर ये अनुपात बिगड़ा वहाँ पर चाहे वो हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सब धराशाही हो जाता है। ये तभी तक है जब तक हिंदू समाज सुरक्षित है, बहुलता में है, क्योंकि ये सारे गुण हिंदू में स्वतः ही हैं। ये जब है सुरक्षित रहेगा, हिंदू सुरक्षित रहेगा, संगठित रहेगा, तभी तक ये जो डेमोक्रेसी है इस देश में या लोकतंत्र है या धर्म निरपेक्षता चल पाएगी। आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बनी है कश्मीर में, क्या स्थिति बन रही है बंगाल में, क्या स्थिति बन रही है असम में, ये सब इसी कारण है। हम सभी को आह्वान करते हैं कि आप एक मत होकर इस सनातन संस्कृति को जीवित रखें, जुड़े बजरंग दल से, जुड़े विश्व से, जुड़े ये जो हमारे देश में आई स्थिति है उसको दूर करें। जय श्री राम।